जा रहा प्राचीन पंजर भोकवा मेला। आपको बता दी कि पटना सिटी के रानीपुरी इलाके में पंजर भोकवा मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला जितना प्राचीन माना जाता है उतना ही अनोखा व विचित्र भी है। क्यों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस मेले का आयोजन सतुआनी के ठीक दूसरे दिन किया जाता है। तो वही आपको बता दें कि लोग अपने पूरे शरीर में त्रिशूल की आकृति के लोहे के पंजरे को घोप लेते हैं। इसके बाद गीतों पर झूमकर नृत्य करते हैं। पूरी रात पंजर भोकवा इन इलाकों में घूम घूम कर नृत्य करते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह मेला इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यह मेला रात्रि के दूसरे पहर में शुरू होता है और अंतिम पहर में यह मेला समाप्त हो जाता है। आज से 4 दशक पूर्व यह मेला पूरे अंचल में होता था, अब यह सिर्फ रानीपुर इलाके में ही सिमट कर रह गया है। आपको बता दें कि इस मेले को सावित्री सत्यवान की याद में मनाया जाता है और ऐसा मान्यता है कि यमराज ने सावित्री को 3 वरदान भी दिए थे। यहाँ यमराज के 3 वरदान से जुड़े 3 शति चौरा भी है और इस मेले में तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की शक्ति का भी प्रदर्शन किया करते थे और इस खास मौके पर यहाँ सावित्री सत्यवान तथा यमराज की प्रतिमा भी रानीपुर गंज पर बैठाया जाता है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। निधि सिंह के साथ बने रहे न्यूज क्राइम 24 के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल न्यूज क्राइम 24 पर अभी आए हैं तो इसे जल्दी सा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर लेकर हाजिर होंगे एक नए अपडेट्स के साथ। कोई परेशानी किसी को नहीं आने देंगे, चाहेंगे तो इसको गिरा भी सकते हैं, चाहेंगे तो उठा भी सकते हैं। ये तंत्र मंत्र गुणवान कितना उत्साह लोगों में है, कितना उत्साह लोगों में है। हमारे गांव के पूरे सारे लोग उत्साह में रहते हैं हर साल और ये पुरानी हमारा मेला है जो आज 200-300 वर्ष पूर्वजों से पहले माँ सती की आराधना से हम लोग करते हैं। अब देखा जा रहा है पहले की अपेक्षा इस परम्परा कम होती जा रही है, क्या कारण? कम होते जा रहा है समय के अनुकूल, लेकिन मैं विज्ञान को चुनौती देता हूँ कि हमारे गांव में ऐसे 300 बरस पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी करते थे। ये कौन सा क्षेत्र में किया जाता है? रानीपुर सती स्थान के मंदिर से हम लोग निकालते हैं। इस मेला पर सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है, सरकार इसको कहीं से प्रोत्साहित करने की काम नहीं करती है। यह विलुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या मांग करते सरकार? हम लोग बहुत पहले से इसमें लगे हुए हैं। एक समय था जब अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ के पर्यटन मंत्री हुए थे, उस समय हम थे अवधेश वासिना जी यहाँ के पार्षद थे, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, बहुत सारा काम किए थे, यहाँ पुरातत्व विभाग से जांच कराए थे वो। अभी अभी सरकार से क्या मेला को लेकर सरकार से क्या मांग, क्या मांग कर मंदिर का क्या इस तरह से विलुप्त होते जा रहा है या पंजर भुकवा का मेला सती सत्यवान? सरकार से मांग सिर्फ इतना है कि जिस तरह से अन्य मेला का राजकीय स्तर राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया गया है, इस मेला को भी राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया है। सरकार इतना ही कर दे, राष्ट्रीय मेला ये कर दिया जाए, हम लोग बाकी कर लेंगे।